जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज है हमारे पास जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला एक 5.1 होम थिएटर सिस्टम। इसको करेंगे अनबॉक्स, साथ में मैं आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा और साथ में मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊंगा। बॉक्स ओपन करने से पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूं। ये है जेब्रोनिक जेब BT6591RUCF, जो कि आप नीचे भी देख सकते हैं। अब इस बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं आपको इसका जो पावर आउटपुट है वो भी बता देता हूं। इसका 70 वॉट का पावर आउटपुट रहने वाला है, जो कि RMS है। तो चलिए अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी बॉक्स की। तो बॉक्स में फ्रंट पे जो है इसका मॉडल मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि है जेब BT6591RUCF, जो कि 5.1 स्पीकर है। राइट हैंड साइड आप देखेंगे जेब्रोनिक की जो ब्रांडिंग है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो होम थिएटर सिस्टम है कंप्लीट, उसका पिक्चर प्रिंटेड है। नीचे की तरफ जो है ब्लूटूथ 5.0 मेंशन किया हुआ है। इट्स मीन ये ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी पर भी वर्क करता है। USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, SD कार्ड सपोर्ट करता है, FM रेडियो भी इसमें आपको मिल जाता है, ऑक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, AC3 मिल जाता है, साथ में 10.16 सेंटीमीटर का सब वूफर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, साथ में वॉल माउंट देखने के लिए मिल जाता है, ताकि जो इसके साथ स्पीकर आपको मिलते हैं उनको आप वॉल माउंट कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर बॉक्स के टॉप की बात की जाए तो टॉप पे आपको दी साउंड मॉन्स्टर मेंशन मिल जाता है, जेब्रोनिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस टेप को जो है कट करते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मैंने कम्प्लीटली जो सेटअप है ये मैंने ऑर्डर किया है क्रोमा से, क्योंकि ये जो सेटअप था ये अमेजन पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है, फ्लिपकार्ट पे भी ये आउट ऑफ स्टॉक है। सो इसको क्रोमा से मैंने ऑर्डर किया। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। टॉप में आपको जो है इसकी एसेसरीज देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पे इसका रिमोट अवेलेबल है, इसकी ऑक्स केबल है, साथ में इसमें जो एंटीना आता है वॉल माउंट और जो इसका RC सॉकेट है वो अवेलेबल है। इसको साइड में रखते हैं, बाकी चीज़ें चेक करते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे इसके जो 5 स्पीकर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर स्पीकर की मैं बात करूँ तो फ्रंट जो है इसका प्लास्टिक का रहने वाला है और जो बाकी है वो वुडन है। वायर क्वालिटी भी डिसेंट है और जो स्पीकर है वो लाइट वेट है, काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी ज़्यादा जो डिसेंट स्पीकर का डिज़ाइन बनाया गया है। और फ्रंट में जो है आपको ग्रिल मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक ग्रिल है। तो इसको साइड में रखते हैं। इस तरीके के जैसा कि 5.1 स्पीकर सेटअप है तो इसमें आपको टोटल 5 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस कंप्लीट ट्रे को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी मैंने जो है इसके 5 स्पीकर बाहर निकाल दिए हैं। अब बात आती है मेन बूफर की, जो है मेन सब बूफर यूनिट को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। पैकेजिंग जो है काफ़ी अच्छी करी गई है इसके साथ। इसके अलावा जो है बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। जो इसके नीचे के थर्माकोल हैं ये हैं, इनको मैं साइड में रख देता हूँ। ये है इसका मेन यूनिट, इसको करते हैं ओपन। ये है इसका फ्रंट लुक, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट लुक है। ऑल्दो ये प्लास्टिक है पर ये जो है ग्लॉसी प्लास्टिक है तो काफ़ी अच्छा ये लुक दे रहा है। इसके फ्रंट में जो है लैमिनेशन लगा हुआ है, जो कि अपन रिमूव करेंगे जब इस पर जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर या कोई फिल्म अपन इसके ऊपर यूज़ करेंगे उस टाइम पर अपन इसको जो है रिमूव कर देंगे। फ्रंट में आपको राउंड शेप में टोटल 5 कीज देखने के लिए मिल जाती है, जो कि माइक्रो स्विच रहने वाले हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको जो है दिखा देता हूँ और इसका साउंड टेस्ट भी करवाता हूँ। यहाँ पे आपको 4 इंच का जो है सब वूफर देखने के लिए मिल जाता है राइट हैंड साइड पे, और यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, SD कार्ड के लिए सॉकेट मिल जाता है। जो ये USB आप कनेक्ट करते हैं ये USB मैक्सिमम 128 GB तक का सपोर्ट करता है। अगर बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड की तो लेफ्ट हैंड साइड आपको एक बेस रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, जिसका जो आउट है जो एयर आउट है इस पर एक ग्लॉसी प्लास्टिक का यूज़ किया है, जो कि इसको बहुत अच्छा लुक देता है। अंदर की तरफ आप देखेंगे कपड़े का जाली इसके अंदर लगा हुआ है, आई बिलीव आप जो है देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ इसके जो 4 लेग्स हैं वो दिए हुए हैं, जो कि सॉफ्ट प्लास्टिक के, सॉफ्ट मटेरियल के बने हुए हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बैक साइड की। बैक साइड में आपको इसके जो है कनेक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर
इसका ऑक्स इनपुट का ऑप्शन मिलता है टॉप में, साथ में आपको एंटीना कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं इसके आउटपुट की, तो इसमें आपको 5.1 टोटल आउटपुट मिल जाते हैं, सेंटर फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट सराउंड लेफ्ट सराउंड राइट और सेंटर स्पीकर, टोटल 5 इसमें आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर आप डीवीडी से कनेक्ट करते हैं, टोटल 5 इनपुट देते हैं आप, तो उसके लिए भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ में इसका जो ब्रांडिंग है BT6591RUCF वो भी यहाँ मेंशन है, साथ में एक पावर की मिल जाती है, पावर जो स्विच है वो देखने के लिए मिल जाता है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके कॉलम स्पीकर्स की, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के ये मिल जाते हैं। पीछे का जो पैनल है वो वुड में बना हुआ है और जो फ्रंट है वो प्लास्टिक में बना हुआ है। टोटल 5 अपने को जो है इसके साथ स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये आप इसका जो वायर देख सकते हैं, वायर का लेंथ भी जो है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अभी जो है 5 स्पीकर्स कनेक्ट कर दिए हैं, अब बारी है इसको सप्लाई देने की, इसको ऑन करने की। इसको ऑन करने से पहले मैं आपको इसकी एसेसरीज जो है वो भी दिखा देता हूँ। एसेसरीज में आपको इसका एक रिमोट मिल जाता है, जिसमें जो बैटरीज हैं वो इनबिल्ट हैं, इनबिल्ट इसमें आपको बैटरी मिल जाती है इसी के साथ में। अगर मैं बात करूँ यूजर मैनुअल की, तो यूजर मैनुअल भी इसके साथ आपको मिल जाता है, जहाँ पे एक एक चीज जो है बताई हुई है किस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है इसमें बताई गई है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। साथ में अगर मैं बात करूँ वायर्स की, जो इसमें आपको वायर्स देखने के लिए मिलते हैं, वो वायर्स इसमें जो व्हाइट वाला वायर आप देख रहे हैं, ये वायर जो है इसके एंटीना का है, एफएम एंटीना का, जो कि आप इसके पीछे कनेक्ट कर सकते हैं इन केस अगर आप एफएम यूज कर रहे हैं तो। इसके साथ आपको जो है इसकी एक आरसी केबल देखने के लिए मिल जाती है, जो कि इसके ऑक्स के काम भी आती है। अब आप यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, ये 3.5 mm कनेक्ट हो जाता है। यहाँ आप इस RC सॉकेट को कनेक्ट करेंगे और इसको अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हैं, और बचे जो ये 2 पिन ये आप इस ऊपर में कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ वॉल माउंट की, इसके साथ आपको ये वॉल माउंट मिल जाते हैं, जिसकी सहायता से आप इन स्पीकर्स को वॉल पे माउंट कर सकते हैं। इसके जो स्क्रू हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इन सारी एसेसरीज को मैं साइड में रखता हूँ और आपको इसका साउंड टेस्ट करवाता हूँ। गाइज यहाँ फ्रंट में आपको एक व्हाइट कलर की लाइट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि जेब्रोनिक ब्रांड के जस्ट पीछे चलती है, ताकि ये जो जेब्रोनिक लिखा हुआ है ये काफी सुंदर दिखता है। तो चलिए अब इसको जो है मैं पावर ऑन कर लेता हूँ। ये पावर ऑन हो गया है और अभी जो है ये डिफॉल्ट ऑक्स मोड पे है, इसको अपन ब्लूटूथ मोड पे कनेक्ट कर लेते हैं। अभी ये जो है ब्लूटूथ मोड पे आ गया है, आप देख सकते हैं BT जो है मेंशन है सामने डिस्प्ले पे। अभी फोन कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको जो है इसका साउंड आउटपुट चेक करा देता हूँ। अभी जो है फाइनली ये कनेक्ट हो गया है, अभी इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। ये जो माइक है इसको मैं यहाँ सेंटर में रख रहा हूँ अभी। Thank you.
सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सेटअप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।